now the next question for what value of n the nth term of the following two ap is the same 13 19 25 up to so on it is first ap and 69 68 67 up to so on it is second ap also find this term here we have given two ap let the first 13 19 25 up to सो ऑन इज एन ए पी एंड सेकेंड सिक्सटी नाइन सिक्सटी एट सिक्सटी सेवन अप टू सो ऑन इट इज़ ऑल्सो एन ए पी अब देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है हमें एन टर्म यानी कि हमें एन की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए फर्स्ट ए पी और सेकंड ए पी की टर्म्स क्या हो जाएं कॉमन यानी कि लेट करते हैं फर्स्ट हमारे पास जो एनथ टर्म है वो टी एन है एंड सेकेंड ए पी की जो एनथ टर्म है वो सपोज़ कैपिटल टी एन है हमें स्मॉल टी एन इज इक्वल टू कैपिटल टी एन के लिए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यानी कि एन की किस वैल्यू के लिए हमारे पास टर्म्स क्या हो जाएंगी सेम हो जाएंगी क्लियर है बात जस्ट आपको जनरल टर्म ऑफ फर्स्ट ए पी इज इक्वल टू टर्म ऑफ सेकेंड ए पी पुट करना है वहाँ से आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी और एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है नेक्स्ट ऑल्सो फाइंड दिस टर्म हमें वो टर्म भी फाइंड आउट करनी है तो जस्ट टी एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वही क्या होगी वो टर्म हो जाएगी ठीक है अकॉर्डिंग टू दैट देखो ध्यान से फर्स्ट के लिए हमारे पास ए है यानी कि फर्स्ट टर्म है थर्टीन यानी कि टी एन ओ फर्स्ट ए पी थर्टीन प्लस एन माइनस वन इंटू डी कॉमन डिफरेंस नाइनटीन माइनस थर्टीन यानी सिक्स ठीक है

डी और दर्स्ट ए पी तो हमारे पास टी एन क्या आ जाएगा सिक्स एन प्लस सेवन ऑलरेडी आपको डिस्कस किया है कि कैसे आएगा एंड सेकेंड ए पी के हमारे पास कैपिटल टी एन क्या आ जाएगा इसकी फर्स्ट हमको कैपिटल ए से एंड कॉमन डिफरेंस को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं क्योंकि दोनों का क्या होगा सेम नहीं होगा ओके okay? अब उसके बाद देखो हमारे पास ये टी एन है सेकेंड ए पी का एंड हमारे पास स्मॉल टी एन था फर्स्ट ए पी का अब दोनों को मैंने इक्वल पुट किया फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन यहाँ से हमारे पास एन की वैल्यू आई है नाइन यानी एन इज इक्वल टू नाइन के लिए यानी नाइन्थ टर्म ऑफ बोथ ए पी विल बी सेम ठीक है अब हमें फाइंड आउट करना है कि वो नाइन्थ टर्म क्या है आप फर्स्ट ए पी की भी नाइन्थ टर्म निकाल सकते हैं और सेकेंड ए पी की भी नाइन्थ टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों क्या होंगी सेम होंगी ठीक है हमने सेकेंड की फाइंड आउट की है देखो टर्म हमें गिवन है सेकंड की 70 माइनस एन तो जस्ट मैंने यहां पर एन की वैल्यू पुट की नाइन वी गेट सिक्सटी वन यू कैन वेरीफाईजली आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा